जिला आपदा प्राधिकरण ने पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ के साथ संयुक्त रूप से रामघाट पर बाढ़ के पूर्व तैयारी के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की। इस मॉक ड्रिल में रामघाट से सटे बहरामपुर दक्षिणी गांव में बाढ़ का पानी पहुंचने की स्थिति को अनुकरण किया। एनडीआरएफ की टीम ने गांव में पहुंचकर फंसे लोगों को नौकाओं के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके अतिरिक्त राप्ती नदी में नागरिकों को लेकर एक नौका के पलट जाने की स्थिति का भी अभ्यास किया गया। एनडीआरएफ के गोताखोरों ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को बचाया और उन्हें CPR दिया। चिकित्सकों की टीम ने पानी से निकाले गए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित ये मॉक ड्रिल पूरी तरह से सफल रहे। यदि जनपद में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिला प्रशासन पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार है। इस संबंध में ADM फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि ये मॉक ड्रिल बाढ़ से पूर्व तैयारियों का अभ्यास था। इसमें राहत शिविर, चिकित्सा टीम, राजस्व और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से शामिल थी। यदि बाढ़ आती है तो हम पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार हैं। इस अवसर पर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए ADM फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, NDMA, SDMA और राहत कार्यालय के उत्तर प्रदेश के ऐसे जनपद जो बाढ़ के दृष्टि का संवेदनशील है उन सभी जनपदों में बाढ़ की तैयारियों को लेकर हमारा प्रोग्रेस चल रहा है। उसमें कुछ सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटीज भी हुई हैं, जिसमें एक गांव में बाढ़ का पानी लग गया और उसकी वजह से कुछ लोग वहां पे फंस गए थे, जिनको रेस्क्यू करने की सूचना प्राप्त हुई जिला EOC के माध्यम से। तो हमारी NDRF, SDRF और PAC की टीमें तत्काल मूव की अपने अपने स्थलों से इसे प्लेस के लिए जहाँ पे वो सभी लोग फंसे हुए थे और उनको सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। उसके पश्चात दूसरा सिचुएशन बेस्ड ये था हमारा कि ऐसी स्थिति में कुछ लोग, गांव के लोग नाव से इधर उधर आवागमन कर रहे थे और एक नाव पलट गई तो उसकी सूचना दी गई, तो उसको तत्काल प्रभाव से उनको रेस्क्यू किया गया। और साथ ही इसमें जो हमारे सभी डिपार्टमेंट्स हैं बाढ़ के दृष्टिगत उपयोगी होते हैं, जिनका सहयोग हमें आवश्यक होता है, उन सभी के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बाढ़ में, उन सभी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का भी प्रैक्टिस इस मॉड्यूल के माध्यम से हुआ है। साथ ही सभी डिपार्टमेंट्स के पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, उनकी क्या क्षमताएं हैं, उनके क्या रिसोर्सेज हैं, उन सभी का भी उन लोगों ने प्रदर्शन किया है कि आगे किसी प्रकार की इस तरह की कोई आपदा की स्थिति अराइज होती है उससे निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी है, उसी के दृष्टिगत आगे किया गया।